अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये जो इलेक्शन आज हुआ है MLC का, हमें उम्मीद है कि कांग्रेस का पार्टी का कैंडिडेट ही जीतेगा, क्योंकि ये जो हमारा कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वो बिल्कुल सादा सीधा कैंडिडेट है, और उन्होंने पूरे पब्लिक में रहकर पब्लिक के काम करने की उनमें सलाहियत है, और तमाम लीडरों ने काफ़ी मेहनत की है। इवन खड़गे साहब भी वहाँ से दो दिन के लिए आए थे, पार्लियामेंट था, चल रहा था, उसके बावजूद भी दो दिन के लिए आके कई जगहों पे जाकर उन्होंने भी कैंपेनिंग की है, और सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ज़रूर कांग्रेस कैंडिडेट जीतेगा। आज का इस विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पक्ष के अभ्यर्थी श्री BG पाटिल, हम 100% ये चुनाव हम जीत रहे हैं। इसकी वजह यह है कि लोगों ने, मतलब मोदी सरकार से जो ग्राम पंचायत को जो बेनिफिट मिल सकता है, जो 14 फाइनेंस में जो बढ़ावा मिला है ग्राम पंचायत को, करीबन 50-60 लाख रुपए जो हर पंचायत को मिल रहा है, इसका वजह यह है कि केंद्र से मोदी जी ये चाहते हैं कि ग्राम पंचायत का जो अधिकार है उस लेवल में वही करेंगे। और एक तरीके से गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज होना चाहिए, तो वो सपने को मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इसलिए पंचायत मेंबर्स को ये विश्वास है कि जब तक मोदी जी रहेंगे उनका जो इंटरेस्ट है वो ज़रूर वो बरकरार रखेंगे, और इस वजह से मैं समझता हूँ बहुत अच्छे पैमाने से इस चुनाव में हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पूरे हमारे राज्य में आज जो चुनाव जो 25 स्थानों पे जो चल रहा है उसमें 100% हम 12 से 15 सीट हम ज़रूर जीतेंगे, ये हमारा ये विश्वास है। और 100% हमारे अभ्यर्थी यहाँ के जो BG पाटिल है वो ज़रूर जीतेंगे।